हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में। वाटर का ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि सोर्स से लेकर जब तक पानी पीने योग्य ना बन जाए उस पर कौन कौन से ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं। तो सोर्स से लेकर पानी को पीने योग्य तक बनाने का जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब तक हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में जो टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा सेडिमेंटेशन। और उस सेडिमेंटेशन में भी कंटिन्यूस टाइप हमारा जो फ्लो टाइप हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ताकि इस पॉइंट पर जब हम आए तो एक कंटिन्यूटी बन जाए। तो अब तक हम कौन कौन सी वीडियो के तीन पार्ट बना चुके हैं। सबसे पहले वीडियो हमने ये पढ़ा था कि इंटेक क्या है। इंटेक का मतलब है वाटर के ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर इंटेक पानी को किसी भी सोर्स से प्राप्त करना, ही क्या कहलाता है, हमारा इंटेक कहलाता है। चाहे हम किसी भी मोटर के थ्रू, पंप के थ्रू हम पानी को इंटेक करें यानी पानी को प्राप्त करें, तो सोर्स से पानी की प्राप्ति इंटेक कहलाता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी सोर्स से पानी प्राप्त करेंगे, खासकर वो जब सरफेस वाटर सोर्स हो, इसका मतलब ये है जलाशय हो, झील हो या तालाब हो कोई, तो इस टाइप का जब भी कोई हमारा सोर्स अवेलेबल होगा तो उस केस में हम जानते हैं उसके अंदर हमारे जो सस्पेंडेड मटेरियल हैं जैसे कि स्टोन, ग्रेवल या फिर हमारे पेड़ पौधे, पत्ते, घास फूस आदि हमारे पानी के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। तो उनको अगर हम आगे ट्रीटमेंट में ले जाएंगे तो हमें वाटर की ट्रीटमेंट में मशीनरी पर ज़्यादा लोड पड़ेगा या फिर वो चौक हो सकती है, एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा काम ये होता है कि सबसे पहले उन्हें रिमूव किया जाए। तो पानी के अंदर जो उपस्थित जो सस्पेंडेड मटेरियल्स हैं, तो सस्पेंडेड मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, उसकी स्क्रीनिंग कर देते हैं, उसका छन्नीकरण कर देते हैं। तो सेकंड प्रोसेस हमने अपनाया था, सबसे पहला इनटेक, उसके बाद में हमने अपनाया था स्क्रीनिंग, और उसके बाद में हम जानते हैं कि पानी के अंदर जिस भी सोर्स से हम पानी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे सपोज करो हमने पानी झील से प्राप्त किया, तो झील के बॉटम में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी कमी होती है, लेकिन बहती धाराओं में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। तो अगर पानी किसी लेक जैसे सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं तो उस केस में उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, उसके अंदर बदबूदार गैसें हो सकती हैं, ओडर्स हो सकते हैं। तो उनको वायुमंडल में भेजने के लिए यानी कि पानी के अंदर जो बदबू है उनको दूर करने के लिए, या फिर जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, एयरेशन प्रोसेस कर देते हैं यानी पानी को। तो एयरेशन प्रोसेस हमारा क्या है कि एयरेशन प्रोसेस पानी में ट्रीटमेंट पर दिया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जैसे पानी को हवा में उछालकर उसे वाटर के एयर के कांटेक्ट में ले आते हैं, और पानी के जब एयर कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो पूर्ति हो जाती है और जो ओडर्स होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एयरेशन कहलाता है। तो इसके भी हमने पिछले कुछ पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अगला हमारा जो प्रोसेस था सेडिमेंटेशन टैंक था, तो हमने सेडिमेंटेशन टैंक का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले ये समझते हैं सेडिमेंटेशन क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक यानी, लेकिन हम पिछला जो टॉपिक और पढ़ चुके हैं एक और, कौन सा, इंटरमिटेंट टाइप टैंक। तो डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं टॉपिक को तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं तो आपको यहां से भी बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए सेडिमेंटेशन क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अवसादन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है ट्रीटमेंट वाटर में दिया जाने वाला, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जब हम करते हैं तब दिया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे सस्पेंडेड कोर्स या फाइन मटेरियल्स हो, यानी कि चाहे वो मोटे कण हो, चाहे वो हमारे महीन कण हो, चाहे वो बालू के हो या फिर ग्रेवल के हो या फिर और सिल्ट के पार्टिकल्स हो, जो पानी में पानी की गति को अगर कम कर दिया जाए और पानी में तली में बैठ सकते हैं, वो धीरे धीरे सेटल्ड हो सकते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन किसी भी वाटर ट्रीटमेंट में दिया जाने वाला वो प्रोसेस है जिसमें हमारे सस्पेंडेड कोर्स या फाइन पार्टिकल्स को यानी मोटे या महीन कणों को हम पानी की गति को कम करके या बिल्कुल पानी को रोक कर हम उन पार्टिकल्स को सेटल्ड करा देते हैं, यानी उनको टैंक की तली में जमा देते हैं और पानी को निथार कर हम आगे की तरफ ले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो हमारे इंटरमिटेंट टाइप टैंक से या फिर हम दूसरा दे सकते हैं कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक से। इंटरमिटेंट टैंक का मतलब ये कि पानी को बिल्कुल एकदम रोको और उसके बाद में पानी को भरो, फिर उसको सेटल्ड होने दो और उसके बाद उसमें ड्राउट कर लो, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास हमारी है कंटिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की। इसका मतलब ये होगा कि पानी को हम लगातार कंटिन्यू फ्लो की कंडीशन में रखेंगे और रखने के दौरान ही पार्टिकल हम टैंक इतना बड़ा बनाएंगे कि पार्टिकल्स हमारा उस फ्लो के दौरान ही टैंक में सेटल्ड हो जाए।
तो बात सारी ये आती है कि भाई उसके अंदर रिटेंशन टाइम कितना होना चाहिए, यानी कितनी देर तक हम पानी को उसके अंदर रोकें, टैंक का सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, टैंक कितना लंबा चौड़ा, हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी, क्या हाइट पर उसके सेडिमेंटेशन एफिशिएंसी डिपेंड करती है, एफिशिएंसी अगर डिपेंड करेगी तो किस प्रकार करेगी, उसकी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, ओवरफ्लो रेट क्या होता है, इन तमाम टॉपिक जो कि हमारे कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम देते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं सिविल से रिलेटेड, तो उसमें हमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस जरूर पुट अप किए जाते हैं। तो कंटीन्यूअस फ्लो टाइप टैंक आज की हमारी क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बिना स्किप करे इस पूरी वीडियो को देखना है, आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये फैक्ट है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो कंटीन्यूअस फ्लो टाइप टैंक अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पानी को हमें कंटिन्यू, देखिए पूरा डायग्राम बनाया हुआ मैंने यहां पर, पानी को हमें लगातार कंटिन्यू फ्लो में रखना है, और उसके बाद पानी को हमें पानी में उपस्थित जो हमारे सस्पेंडेड कोर्स और फाइन पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सेटल्ड कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को मैं 3D डायग्राम बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कोई एक टैंक है और इसमें हमें पानी को इस सिरे से प्रवेश कराना है, पानी का हमारा जो इनलेट होगा वो इस साइड से होगा। तो इस साइड में अब टैंक का ये समझिए लंबाई जो टैंक की है वो है एल, यानी एल लेंथ का हमने टैंक बनाया है जिसकी चौड़ाई है बी और उस टैंक की हाइट है एच। तो जो इनलेट का पार्ट जिधर से हमारा पानी टैंक में प्रवेश करेगा वो इस साइड से करेगा, तो इधर का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। तो यहाँ पर Q क्या है, डिस्चार्ज, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जिस रेट से पानी आएगा एक कांस्टेंट रेट से पानी टैंक के अंदर एंटर करेगा। तो एक जब पानी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका एरिया कांस्टेंट है तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, ए वी होता है। तो अगर हमारा ए वी कॉन्स्टेंट है तो क्यू तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट हो ही जाएगा, क्योंकि एरिया हमारा फिक्स है। एरिया कितना है इस सरफेस का, देखिए इस सरफेस का जो हमारा एरिया हो क्या हो जाएगा, एरिया होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो कितनी है, ये बी चौड़ाई है और हाइट कितनी है एच। तो बी इंटू एच क्या है, एरिया फॉर एंट्री। एरिया फॉर एंट्री का मतलब यह है कि पानी जहां से एंटर करेगा, जहां से इनलेट करेगा, उसका एरिया क्या है, बी इंटू एच है। दूसरा क्यू क्या है, डिस्चार्ज है। अब ए वी कॉन्स्टेंट है तो क्यू भी कॉन्स्टेंट होगा। नेक्स्ट हमारा वी एफ, इसका मतलब ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, यानी पानी जब इस दिशा में बह रहा है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस रेट से बह रहा है, तो वो उसकी ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस का मतलब ये है कि उसकी तली का क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया ऑफ सरफेस कितना है, बी इंटू, एरिया ऑफ सरफेस कितना है हमारा, बी इंटू एल, तो एल भी हमारा है एरिया ऑफ सरफेस। नेक्स्ट है वी एस, वी एस क्या है यहाँ पर, सेटलिंग वेलोसिटी, या इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो रेट या ओवरफ्लो वेलोसिटी। ये भी आपको याद रखना है कि ओवरफ्लो वेलोसिटी या फिर सेटलिंग वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वी एस होती है। वी एस क्या चीज़ है कि जब पार्टिकल इस दिशा में जब हमारा पानी एंटर करेगा तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी एफ। लेकिन देखिए पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ तो वेट होगा, पार्टिकल का सेल्फ वेट होगा, यानी कुछ ना कुछ तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और जो पार्टिकल सेटल्ड होंगे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो सेटलिंग हमारी जो सेडिमेंटेशन है वो डिपेंड करता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डिपेंड करेगा तो जरूर अगर पानी से ज़्यादा अगर किसी पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी जरूर वो हमारा क्या होगा, सेटल डाउन होने की उसकी टेंडेंसी होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी, तो जरूर पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। तो पार्टिकल की जो नीचे की ओर सेटलिंग होने की यानी सेटल डाउन होने की जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वी एस कहते हैं, इसके हम सेटलिंग वेलोसिटी या फिर ओवरफ्लो रेट हम इसको कहते हैं। तो यहां पर अब हमने पानी को एंटर कराया और पानी को एंटर कराते ही हमने यहां पर देखा कि उसकी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कुछ ना कुछ है और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा कुछ इस दिशा में हमारा काम करेगा। तो अब बात करते हैं, यहां पर 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, ये डायग्राम आपको समझ नहीं, आप इधर से देखिए फ्रंट व्यू, तो यानी जब आप इस साइड से जब हम देखेंगे फ्रंट व्यू तो हमें कुछ इस प्रकार का फ्रंट व्यू दिखाई देगा, यानी कि टैंक की हाइट है एच और उसकी लंबाई है एल, एल इसकी लेंथ है और हाइट उसकी एच है। तो अब बात करते हैं कि अगर पार्टिकल हमने अगर कोई भी सॉइल का पार्टिकल है, कोई भी हमारा मिट्टी का कण है, वो हमारा एंटर किया इस किनारे पर, यहाँ यहाँ पर एंटर किया, इसका मतलब यहाँ पर हमने एंटरिंग इस पार्टिकल की दे दी, तो पानी की हॉरिजॉन्टल कुछ वेलोसिटी है, तो पानी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर होगी और उसकी सेटलिंग वेलोसिटी उसका जो सेल्फ वेट है पार्टिकल का, उसकी सेल्फ वेट पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी।
तो अब जब ये पार्टिकल आगे की तरफ, पानी भी आगे की तरफ बह रहा है और सेटलिंग भी हो रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा कुछ इस दिशा में होगा और पार्टिकल हमारा यहाँ आते आते, यानी एल वो लंबाई है टैंक के तली की, वो लेंथ है जहां पर पार्टिकल हमारा सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन एक चीज और सोचने वाली है इसमें, क्या सॉइल के पार्टिकल हमेशा टॉप पॉइंट से ही एंटर करेंगे? भाई पानी लगातार इस तरह से कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो हो सकता है सॉइल के पार्टिकल यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो। तो हमने सिर्फ ऊपर वाला ही कंसीडर क्यों किया? पार्टिकल तो यहां पर भी आ सकता है, पार्टिकल यहां पर भी आ सकता है सॉइल का जो सेटल्ड होना है जिसको। तो हमने ये इसलिए लिया है टॉप वाले पार्टिकल की, सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल इस टैंक की लंबाई में यहां से यहां आते आते सेटल डाउन हो सकता है, तली पर बैठ सकता है, यानी उसका सेडिमेंटेशन हो सकता है, तो 100% अब जब ये पार्टिकल यहां पर तली पर बैठ सकता है तो ये वाला भी पार्टिकल हमारा इस लंबाई से पहले ही सेटल्ड हो जाएगा। तो यहां से हमें एक बात ये समझ में आती है कि जितने भी हमारे पार्टिकल सेटल्ड होने हैं, हम बात करेंगे सिर्फ टॉप मोस्ट पार्टिकल की। अगर हमने इस पार्टिकल को यहां आते आते सेटल्ड करा लिया, टैंक की हमने वो लंबाई रखी जिसमें पार्टिकल यहां आते आते सेटल्ड हो जाएंगे, तो इससे नीचे जितने भी पार्टिकल्स हमारे होंगे वो सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए, क्या पार्टिकल के साइज पर कोई डिपेंड नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि पार्टिकल्स के साइज पर भी हमारे टैंक में सेडिमेंटेशन प्रोसेस डिपेंड करता है, यानी एफिशिएंसी जो डिपेंड करती है वो पार्टिकल साइज पर भी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कि हमने एक टैंक को डिजाइन किया, तो यहां से हमारा जिस पार्टिकल के लिए डिजाइन किया है टैंक को, हम वहां कहेंगे कि 100% पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे जिसके लिए हमने डिजाइन किया है। 100% पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यानी जितने जिस पार्टिकल के लिए आपने डिजाइन किया है तो उसी के लिए हमारी ये लेंथ भी आई होगी, तो 100% हमारे पार्टिकल तली पर बैठ जाएगा जिसके लिए आपने डिजाइन किया है। लेकिन देखिए, अगर आप बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करते हैं, यहां पर एक मैंने बड़ा पार्टिकल बनाया हुआ है ये, और एक छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है, छोटा पार्टिकल है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने टैंक को छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन किया है, और हम ये कह रहे हैं कि टैंक में छोटा पार्टिकल यहां आते आते बैठ जाए, एल वो लेंथ है जहां पर छोटा पार्टिकल बैठ जाएगा, तो क्या उस पार्टिकल से, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, तो क्या उससे बड़े पार्टिकल नहीं बैठ पाएंगे? तो वो पार्टिकल जो बड़े होंगे वो हमारे 100% यहीं पर बैठ जाएंगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल का अपना वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वो कम दूरी तय करके ही नीचे बैठ जाएगा। लेकिन हमने डिजाइन किसके लिए किया है? छोटे पार्टिकल के लिए। तो जो छोटा पार्टिकल के हमने डिजाइन किया है, तो ये पार्टिकल, छोटा पार्टिकल अगर यहां तक बैठ सकता है तली पर, तो बड़ा पार्टिकल 100% इससे पहले ही तली पर बैठ जाएगा। इसका मतलब यहां ये कहेंगे कि 100% पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यानी कि यहां पर भी हमारी एक कंडीशन ये आई कि 100% पार्टिकल्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। किस केस में? अगर हम छोटे पार्टिकल के लिए हम टैंक को डिजाइन करते हैं तब, यानी कि टैंक में अगर हम छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करें तो टैंक की एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होगी। अगर अब बात करें कि टैंक में हमने बड़े पार्टिकल के लिए डिजाइन किया, यहां से हमें बहुत जरूरी है ये पॉइंट समझना, क्योंकि आगे जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पर। तो अगला हमारा है कि अगर हम बड़े पार्टिकल के लिए डिजाइन करें और छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन ना करें, यानी हम बड़े पार्टिकल के लिए टैंक डिजाइन करते हैं, तो देखिए बड़ा पार्टिकल ही, यानी एल वो लंबाई होगी जहां पर हमारा बड़ा पार्टिकल सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन जो छोटा पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल को सेटल्ड होने के लिए वो टैंक में सेटल नहीं हो पाएगा और वो टैंक से बाहर पानी के साथ चला जाएगा, यानी आगे के प्रोसेस फिल्ट्रेशन में चला जाएगा वो। लेकिन हम ये चाहते थे कि वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में छोटा वाला पार्टिकल भी सेटल डाउन हो जाए। तो अगर हम बड़े पार्टिकल के लिए डिजाइन कर रहे हैं टैंक को, तो बड़े पार्टिकल के अगर आप डिजाइन करते हैं तो बड़ा पार्टिकल ही यहां आते आते हैं एल लंबाई में बैठ पाएगा, लेकिन छोटे पार्टिकल साहब नहीं बैठ पाएंगे। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि पार्शियली, यानी 100% तो पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो पाएंगे, पर पार्शियली पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ही पार्टिकल ऐसे होंगे जिनको हम रिमूव कर पाएंगे। तो देखो,
अब यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आए कि अगर हम पार्टिकल का बड़े साइज के लिए डिजाइन करते हैं, बड़े साइज के लिए डिजाइन करते हैं तो एफिशिएंसी हमारी कम हो रही है, यानी पार्टिकल्स कुछ ही बैठ पा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स आगे चले जा रहे हैं। तो यहाँ से ये हम कहेंगे कि एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी कब, जब पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा, बड़े जब डिजाइन, यहाँ पर लिखेंगे एफिशिएंसी कब कम होगी, जब डिजाइन यानी जब टैंक का डिजाइन, जब टैंक का डिजाइन, टैंक का डिजाइन बड़े पार्टिकल के लिए किया जाएगा, बड़े पार्टिकल के लिए यानी मोटे कणों के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे, बड़े पार्टिकल के लिए किया जाएगा। यानी कि आप यहां से ये समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी टैंक की कब कम हो जाएगी, जब टैंक का डिजाइन बड़े पार्टिकल्स के लिए किया जाएगा, तब हम क्या देखेंगे, एफिशिएंसी इसलिए कम हो गई, एफिशिएंसी का मतलब ये है कि सेडिमेंटेशन कम हुआ टैंक में, इसलिए कम हुआ क्योंकि बड़े पार्टिकल, तो एल तो आपकी वो लंबा आपने डिजाइन किया है टैंक को इस पार्टिकल के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए, तो लेंथ जो निकल के आएगी इसकी इस पार्टिकल के हिसाब से निकल के आएगी, इतना बड़ा पार्टिकल ही यहां तक सेटल्ड हो पाएगा। लेकिन इससे जो छोटे बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जितने भी होंगे उस टैंक के अंदर, वो सारे के सारे हमारे फ्लो के बाहर निकल जाएंगे। तो हां, ये जरूर हो सकता है कि बहुत छोटा पार्टिकल यहां पर अगर आया तो वो सेटल हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो सभी पार्टिकल जो इसी लेवल पर आए हैं और छोटे हैं, वो आगे टैंक से 100% निकल जाएंगे। तभी हमने लिखा है कि पार्शियली पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। तो अगर हम ये चाहते हैं कि टैंक की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए, टैंक की एफिशिएंसी बड़ी करनी है, हमें ज्यादा करनी है, तो हम ये कहेंगे कि टैंक को, ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, टैंक को छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करना होगा। यानी छोटे पार्टिकल्स के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो फिर अगर छोटा पार्टिकल यहां सेटल्ड हो सकता है तो 100% बड़ा पार्टिकल यहां पर ही सेटल्ड हो जाएगा पहले ही, क्योंकि इसकी जो VS है, बड़े पार्टिकल का जो VS होगा, यानी इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो हमारी ज्यादा होगी। तो टैंक को छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करेंगे, छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करें, छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन करेंगे, ये आप लिख लेना, छोटे पार्टिकल के लिए डिजाइन हम करेंगे। यानी कि अब हमें दो बातें तो समझ में आ गई यहाँ पर कि अगर हम टैंक की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जब भी किसी टैंक की एफिशिएंसी की बात होगी तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारा बड़ा पार्टिकल सेटल्ड हो जा रहा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि छोटा पार्टिकल 100% रिमूव हो जाए, यानी पार्शियली होंगे। यानी टैंक का जैसे जैसे साइज हम बड़ा करेंगे, जैसे जैसे टैंक के बड़े पार्टिकल के डिजाइन करेंगे तो टैंक की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, यानी सेडिमेंटेशन कम होगा। जैसे जैसे हम पार्टिकल छोटे पार्टिकल के डिजाइन करेंगे तो टैंक की एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर छोटा पार्टिकल रिमूव हो सकता है तो बड़े पार्टिकल 100% रिमूव हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर, अब यहां पर मैं एक और बात लिख रहा हूं कि ओवरफ्लो रेट, सरफेस लोडिंग या फिर सेटलिंग वेलोसिटी, इन सब का मतलब होता है VS। अब आप देखिए, अगर मैं VS का मान बढ़ा देता हूं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, यानी हमने जो टैंक डिजाइन किया है वो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा के लिए अगर हम डिजाइन कर रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। अब मैंने ये क्यों कह दिया, क्योंकि देखिए अगर आप बड़े पार्टिकल के लिए डिजाइन करेंगे तो बड़े पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी कैसी होगी, हमारी ज्यादा होगी। तो बड़े पार्टिकल के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी वो तेजी से नीचे बैठ पाएगा, और अगर बड़े पार्टिकल डिजाइन करते हैं तो सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि बड़े पार्टिकल ही रिमूव हो पाएंगे क्योंकि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन छोटे वाले पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी तो वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अगर हम सेटलिंग वेलोसिटी को कम कर देते हैं तो सेटलिंग वेलोसिटी किसकी कम होगी, जिनके ऐसे पार्टिकल्स जो छोटे साइज के हैं, तो ऐसे पार्टिकल जो छोटे साइज के हैं अगर उनकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है जब छोटे पार्टिकल सेटल हो सकते हैं तो बड़े तो उससे पहले ही हो जाए क्योंकि उनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहां पर हम कहेंगे एफिशिएंसी का मान हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम ओवरफ्लो रेट ज्यादा रखते हैं तब एफिशिएंसी कम होती है, और अगर ओवरफ्लो रेट कम रखते हैं तो एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, बहुत ज्यादा सवाल इससे देखने को हमें मिलते हैं। तो देखिए दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर कि अगर हमारी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है,
यानी आपने क्या किया है, बड़े पार्टिकल्स को देख लिया कि भाई इनकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है, ये जल्दी सेटल हो जाएंगे, और हमने डिजाइन कर दिया तो इस लंबाई में ये सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन उनका क्या, जिनके पार्टिकल्स साइज कम है तो उनकी सेटलिंग वेलोसिटी हमारी कम होगी, वो तो आगे ही निकल जाएंगे। तो हमने यही कहा कि अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, वही रिमूव हो पाएगा, लेकिन छोटे पार्टिकल्स रिमूव नहीं हो पाएंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसको ध्यान में रखें कि जिन पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स छोटे हैं, तो अगर उन पार्टिकल्स के लिए डिजाइन करते हैं तो हमें पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी तो फिर एफिशिएंसी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि अगर छोटे पार्टिकल सेटल्ड हो सकते हैं तो बड़ा तो ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा कि ओवरफ्लो रेट का मतलब है वीएस, सरफेस लोडिंग का मतलब है वीएस, सेटलिंग वेलोसिटी का ही मतलब वीएस है। अगर वीएस का मान ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम, यानी ओवरफ्लो रेट ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर ओवरफ्लो रेट हमारा कम होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और इसको याद रखना है, पर हमें हम लगा समझते कुछ और ही है लेकिन होता कुछ और ही है, इसलिए मैंने इस यहां पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया दो स्टेप में। अगला हमारा है सरफेस एरिया। चलिए, अब हमने ये कहा कि भाई हम ये चाहते थे कि ये छोटा वाला पार्टिकल भी सेटल्ड हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमें इसकी लेंथ को बढ़ा देना चाहिए टैंक को। इसका मतलब ये है कि जब भी हम छोटे पार्टिकल्स के लिए डिजाइन करते हैं टैंक को तो हमें सरफेस एरिया ज़्यादा रखना होता है, यानी कि हम यहाँ करेंगे सरफेस एरिया हमें क्या समझना पड़ेगा, मोर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो टैंक की एफिशियंसी भी बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है, अगर इस टैंक का ही बात करें, अगर इस टैंक को हमें इस पार्टिकल को टैंक में ही सेटल्ड कराना था तो हमें लेंथ बढ़ानी थी, और जैसे ही लेंथ बढ़ाएंगे तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, इसका L इंटू बी हमारा बढ़ जाएगा, यानी एरिया जो कौन सा, सरफेस एरिया जो L इंटू बी है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो जब हम सरफेस एरिया को ज़्यादा रखते हैं तो उस केस में हमें एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यही पार्टिकल टैंक में ही सेटल्ड हो जाएगा। तो किसी भी टैंक में हम बात करते हैं क्या हाइट पर भी कुछ डिपेंड करेगा, नहीं, हाइट पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर है ईटा से मैंने दिखाया है, एफिशिएंसी टैंक की हाइट पर डिपेंड नहीं करती है, टैंक की हाइट पर, क्योंकि डिपेंड करेगी किस पर, इस लेंथ पर, यानी सरफेस एरिया पर, टैंक की हाइट पर डिपेंड नहीं करती है, हाइट पर एफिशिएंसी टैंक की हाइट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारा पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके कांस्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी डिजाइन ऑफ टैंक जो हम करते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, इसका अगर हम डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर्स लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पैरामीटर जो कि हमें कंपटीशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका, अगर आपने स्किप करके देखा है तो दोबारा से इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे तुम्हें देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो VFVF का मतलब यहां पर ये है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितनी रखते हैं, 0.15 मीटर से लेकर 0.90 मीटर पर सेकंड रखते हैं, लेकिन जनरली एक वर्ड में अगर आंसर होगा तो मैक्सिमम आपने देखने को मिलेगा 0.30 मीटर पर सेकंड, या इसको आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर पर सेकंड हम सेटलिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी रखते हैं किसी भी टैंक के अंदर। अगला हमारा है L/B रेशियो। हमने देखा कि जो टैंक में पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी लेंथ पर, तो हमें L/B रेशियो क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए, यानी L=4B होना चाहिए, तो जितनी उसकी चौड़ाई हो 4 गुनी उसकी लेंथ रखते हैं। अगला हमारा रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। रिटेंशन टाइम किसी भी टैंक में वो रोक काल है जहां पानी ने एंटर किया और यहां से आउटलेट हुआ पानी, तो जितनी देर पानी टैंक में रुका उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन टाइम, यानी जितनी देर के लिए पानी को टैंक में रोका जाता है उसे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो रिटेंशन टाइम हम कितना रखते हैं, रिटेंशन टाइम रखने के लिए हम प्लेन सेडिमेंटेशन अगर कर रहे हैं तो 4 to 8 hours रखते हैं, 4 to 8 hours, और अगर हम कोगुलेशन के साथ कर रहे हैं यानी कि अगर हमने स्कंदक भी मिला रखा है तो हमें थोड़ा रिटेंशन टाइम कम देखने को मिलता है, 2 to 4 hours का हमें रिटेंशन टाइम। ये किसके लिए है, ये प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए और ये हमारा है कोगुलेशन के लिए। यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको याद रखना है, इसको लिख लेना है साथ के साथ कि रिटेंशन टाइम हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए 4 to 8 hours और रिटेंशन टाइम कोगुलेंट मिला रहे हैं अगर हम टैंक में पानी में तो उसके लिए हम रखते हैं 2 to 4 hours। अब बात करते हैं इसका ओवरफ्लो रेट, यानी कि हमारा कितना होता है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए हमारा ओवरफ्लो रेट अगर हम बात करें तो ओवरफ्लो रेट
के लिए अगर हम बात करेंगे तो ओवरफ्लो रेट हमारा होता है, ओवरफ्लो रेट का मतलब मैंने क्या बताया था, VS। तो ओवरफ्लो रेट की अगर बात करें तो प्लेन सेडिमेंटेशन में 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है ये। अगर इसी चीज़ को आप चेंज करना चाहें आवर में, तो हम जानते हैं 24 आवर से आप डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 500 से 750 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कोगुलेंट यूज कर रहे हैं तब हमारा ओवरफ्लो रेट कितना रखेंगे, यानी वीएस कितना रखेंगे हम, तब ये रखते हैं 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। लेकिन अगर आपको आवर में पूछता है तो आप यहाँ पर रखेंगे 24 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा 1,000 से 1,250, 2400 भाग दे के आप देखिए इतना ही आएगा वैल्यू मीटर स्क्वायर पर आवर। लेकिन अगर हम बात करें, ये पूछ ले अगर मीटर स्क्वायर पर मीटर में, तो हम जानते हैं एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, यानी एक मीटर क्यूब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर। तब हम यहाँ पर अगर ध्यान दें इसको तो ये हो जाएगा, इसमें 1,000 से भाग कर दो, 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे ये भी कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से अगर दें भाग 1,000 से 24 से 30 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये भी इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में पूछ सकता है। तो आपको एक यूनिट याद रखनी है, बाकी सब आपको पता होना चाहिए कि एक मीटर में 1,000 लीटर होता है या फिर डे में आवर से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। अगला, इस टैंक में स्लग जोन कितना होता है। इस टैंक में अगर स्लग जोन की बात करें तो इसका जो बॉटम हिस्सा होता है हमारा 0.8 मीटर से लेकर 1.2 मीटर तक का हमारा स्लग जोन होता है। लेकिन अगर फ्री बोर्ड दें, यानी ओवरफ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पर फ्री बोर्ड भी देते हैं कि पानी के अंदर जो हमारा ये वाला जो पार्ट है कौन सा है, फ्री बोर्ड है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था डिटेल में। तो फ्री बोर्ड हमारा कितना रखते हैं यहाँ पर 0.3 मीटर से लेकर 0.5 मीटर तक हम इसमें फ्री बोर्ड को देते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा सारा पढ़ के और समझ में भी आया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे देख लें उन सबसे यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।